सो हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप सब? होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश वीडियो। और आज की वीडियो में ना यार मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को ना यार ये लगता है कि जब वो नई नई गाड़ी लेते हैं उसके बाद यार एवरेज जब इतनी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, फर्स्ट सर्विस होती है, सेकेंड सर्विस होती है, थर्ड सर्विस होती है, तो उसके अंदर उनकी माइलेज इंप्रूव होने लग जाती है, माइलेज उनकी बढ़ने लग जाती है। तो उन चीज़ों के बारे में ना आज मैं अपनी डिटेल में बात करूंगा। भाई मैं इस गाड़ी की ना 3 सर्विस करा चुका हूँ, अराउंड मैं इसे 1.5 साल से ऊपर चला चुका अब तो। उस चीजों के बारे में यार मैं डिटेल में बताऊंगा कि मेरे को कितना एवरेज फील हुआ, किसका मेरा फर्स्ट सर्विस के बाद, सेकंड सर्विस के बाद या थर्ड सर्विस के बाद कितनी एवरेज मेरी गाड़ी की इंप्रूव हुई। उन चीजों के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल में बात करने वाला हूँ। सो प्लीज यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, और वीडियो को यार अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना क्या आपकी एवरेज इंप्रूव हुई और कितनी इंप्रूव हुई आफ्टर सर्विसिंग। बाकी अगर आपको मेरी सर्विस एक्सपीरियंस देखना है कि कैसा कैसा मेरा ऑनरशिप एक्सपीरियंस था या सर्विस के रिगार्डिंग मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, सेकंड सर्विस का, थर्ड सर्विस का, फर्स्ट सर्विस का, वो मैंने डिटेल अपनी चैनल के ऊपर डाला हुआ है। मैं ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उन सारी वीडियोज की लिंक दे दूंगा, जिससे आप इजीली चेकआउट कर सकते हो कि मेरा सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो अब मैं बताने वाला हूँ यार मेरी गाड़ी में माइलेज कितनी इंप्रूव हुई आफ्टर फर्स्ट सेकंड सर्विस। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहले मैंने कराई फर्स्ट सर्विस, जो यार अराउंड फर्स्ट सेकंड मंथ के अंदर होती है जब आप परचेज करते हो। तो उसके बाद फर्स्ट सर्विस होती है, जिसके अंदर यार रियलिटी में बता रहा हूँ कुछ नहीं होता ज़्यादा, सिर्फ आपका इंजन वगैरह चेकअप होता है कि नट बोल्ट्स वगैरह सही फिक्स्ड है, और सेकंड थिंग आपकी वॉशिंग होती है गाड़ी की। ज़्यादा कुछ नहीं होता इसके सर्विस के अंदर। बाकी एक छोटा सा मेरे को इशू आ गया था फर्स्ट सर्विस से ही, तो वो आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो यार, मैंने बताया हुआ है, वो की वाला इशू था। तो उसके ऊपर थोड़ा सा मेरे को इशू आया था और वो बहुत लंबा टाइम तक खिंच गया था, जो वो एक मेरे को थोड़ा सा बेकार लगा। बाकी सर्विस के अंदर यार कोई भी दिक्कत नहीं थी कि सर्विस अच्छे से नहीं करी या मैनेजमेंट इशू था, भाई ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत सुना था टाटा का सर्विस एक्सपीरियंस बहुत बेकार है, भाई बंदे काम ही नहीं करते या सुनते ही नहीं है, कुछ अपने मर्जी से करते रहते हैं, भाई ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उन्हें जो जो काम बोला उन्होंने प्रॉपर मेरी गाड़ी के अंदर देखा और सारी चीज़ें करी थी। मेरे को पर्सनली यार टाटा का एक्सपीरियंस बहुत सही लगा, सर्विस एक्सपीरियंस जैसा मैंने सुना था ना उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मेरे को मिला। भाई सर्विस बंदे बताते हैं बकवास है, बाकी मेरे को नहीं लगा यार ऐसा, मैंने अपनी चैनल के ऊपर दिखा भी रखा है सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैंने ना यार फर्स्ट सर्विस कराई, बड़े अच्छे से कराई, सारी चीज़ें होगी, तो उसके बाद मेरे को लग रहा था कि हाँ माइलेज थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। तो इंप्रूव जब मैंने देखा तो यार माइलेज कुछ भी इंप्रूव नहीं हुई थी, मतलब मेरे ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड था कि मैं जिस हिसाब से ड्राइव कर रहा हूँ वैसे ही आपकी एवरेज निकल रही है। फिर उसके बाद मैं सोचा यार कोई नहीं, चल फर्स्ट सर्विस में तो कुछ काम नहीं हुआ, सेकंड सर्विस के अंदर हो जाएगी इंप्रूव। तो सेकंड सर्विस की जब बात आई तो सेकंड सर्विस में यार उन्होंने इंजन वगैरह सारी चीज़ें चेक करी, कुछ चेंज था या कुछ रिप्लेसमेंट था, सारी चीज़ें उन्होंने साफ वगैरह करके वो अच्छे से कर दी। 6 महीने के अराउंड जो आपकी सेकंड सर्विस होती है उसके अंदर यार अच्छे से सारी चीज़ें उन्होंने साफ कर दी। तो मेरे को लगा यार अब डेफिनेटली इंप्रूव होगी माइलेज, क्योंकि सारी चीज़ें काम कर रहा है। पुरानी सर्विस के अंदर तो कुछ भी नहीं गया था, फर्स्ट सर्विस में तो बस चेकअप वगैरह करके और बेसिक नट बोल्ट्स वगैरह वो सब चेक करके, टाइट करके थोड़े बहुत जो लूज थे, और वॉशिंग वगैरह करके वो आपकी गाड़ी दे दी, बाकी कुछ नहीं किया। तो मेरे को लगा यार सेकंड के अंदर डेफिनेटली इंप्रूव होगी, सारी चीज़ें चेंज करी, ये सब किया। तो उसके बाद जब मैंने फोकस किया कि यार सेकंड पे माइलेज इंप्रूव होगी, भाई सेकंड पे भी कुछ नहीं हुआ इस गाड़ी का, मतलब माइलेज नहीं हुई यार। जो मेरा मिथ था यार सेकंड सर्विस के बाद माइलेज मेरी एकदम से बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वही चीज़ थी, जिस हिसाब से मैं ड्राइव कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरी एवरेज थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई, मतलब जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरी एवरेज बढ़ती गई, कि जब मैं थोड़ी रैश ड्राइव कर रहा हूँ तो यार एवरेज मेरी बिल्कुल भी नहीं आ रही, और जब मैं इसको स्मूथली आराम से ड्राइव कर रहा हूँ तो एवरेज मेरी यार बहुत ज़बरदस्त निकल के आ रही है, 30 की एवरेज भी मैं निकल के आ रही है। वो वीडियो भी आप देख सकते हो, मैंने इस गाड़ी से भाई 30 की एवरेज निकाली है इन सिटी ड्राइव करते टाइम, और ट्रैफिक के अंदर भी मैंने ड्राइव करके दिखाई है। सो आप वो वीडियो भी यार चेकआउट कर सकते हो, ऊपर आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। तो सेकंड सर्विस के अंदर भी ना यार मेरे को ऐसा कोई मेजर फर्क नहीं दिखा कि यार अब माइलेज बहुत तगड़ी होगी। फिर मेरे को लगा यार चल कुछ साफ वगैरह किया इन्होंने, ऐसा कुछ चेंज नहीं किया, थर्ड सर्विस में देखते हैं थर्ड सर्विस में क्या होगा, मतलब माइलेज इंप्रूव हो जाएगी मेरी एकदम से। मतलब मैंने लोगों से सुना था कि यार कि एवरेज बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव हो जाती है, तो मैं सोच रहा था चल थर्ड सर्विस के अंदर देखेंगे कि एवरेज कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब फिर भाई बात आई थर्ड सर्विस की, तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रखी है यार, अंदर बैठ के बात करते हैं। तो मेरी फर्स्ट सर्विस होगी, सेकंड सर्विस होगी, उसके अंदर यार मेरे को ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं लगा कि यार मेरी गाड़ी की एवरेज एकदम से बढ़ गई। जैसे मैंने सेकंड सर्विस कराई यार एवरेज एकदम से इतनी ज़बरदस्त होगी, तो ऐसा मेरे को कोई भी मेजर चेंज फील नहीं हुआ। और
अब बात आती है यार थर्ड सर्विस की, मतलब फर्स्ट करा ली, सेकंड करा ली, थर्ड के अंदर क्या कर रहा है, उन्होंने इंजन ऑयल चेंज किया, तो उसके बाद सारी चीज़ें उन्होंने चेक वगैरह करी अच्छे से, जो इंजन की थी सारी सफाई वगैरह करके, जो नट बोल्ट्स वगैरह थे सारी गाड़ियों के वो सब टाइट करे, और अच्छे से उन्होंने मतलब फिर से एक टाइप की वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी मेरी वो सब उन्होंने सॉल्व करी और एक अच्छे से गाड़ी रेडी करके दे दी। अब मेरे को लगा कि यार थर्ड सर्विस है, थर्ड सर्विस के अंदर इन्होंने चेंज किए हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज करी, मतलब इंजन ऑयल और ये सारी चीज़ें थी, तो अब मेरे को लगा यार अब तो डेफिनेटली गाड़ी की माइलेज बढ़ेगी बढ़ेगी। फिर मैंने आगे देखा, कुछ टाइम ड्राइव करी, जब मैंने देखा यार एवरेज उतनी ही अटकी पड़ी है, तो मतलब थर्ड सर्विस के अंदर भी मेरे को कोई ऐसी चेंज नहीं दिखा कि यार थर्ड सर्विस में माइलेज बहुत अच्छी होगी। तो मेरा वो जो मिथ था ना यार कि सर्विसों के बाद यार माइलेज बहुत अच्छी हो जाती है, तो ऐसा यार बिल्कुल भी नहीं हुआ मेरे साथ। जो भी एवरेज मैंने अपनी गाड़ी से निकाली थी वो यार मेरे चलाने के ऊपर डिपेंड था, जिस हिसाब से मैं ड्राइव कर रहा था उस हिसाब से मेरी एवरेज निकली थी। हाँ कुछ सारे फीचर्स थे जो मैं यूज़ करा और उसकी वजह से मेरी माइलेज ना बहुत अच्छी इंप्रूव हुई। आपने जनरली देखा होगा जिन जिन चीज़ों के साथ मैं ड्राइव करता हूँ वो भी यार मैंने एक डिटेल वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो उन चीज़ों का यार जरूर फॉलो करो व्हाइल ड्राइविंग, आपकी माइलेज वैसे इंप्रूव हो जाएगी। सर्विस के बाद यार ऐसा मेजर कोई चेंज नहीं होता कि आपकी माइलेज एकदम से बढ़ जाएगी, वो यार आपके चलाने के ऊपर डिपेंड है। हाँ इंजन थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ हो जाता है वो चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन जो मेजर फर्क है ना यार माइलेज के अंदर वो आपकी गाड़ी पे नहीं आता कि सर्विस के बाद आपकी माइलेज बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। बाकी जो बहुत सारी चीज़ें थी जैसे ब्रेकिंग थी, ब्रेकिंग स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ी सी टाइट लगती थी अपनी गाड़ी की, बाकी जैसे जैसे गाड़ी रनिंग में चलती रही तो उसके ब्रेक शूज थोड़े से घिसे हो वो चीज़ अच्छी हो गई। अब ना ब्रेकिंग में कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं आती, बहुत सही ब्रेकिंग इस गाड़ी के अंदर आती है। माइलेज आपके चलाने के ऊपर डिपेंड है, जिस हिसाब से आप चलाओगे, जिस हिसाब से आप क्लच पैडल छोड़ोगे, एक्सेलेरेटर पैडल प्रेस करोगे, उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड है। बाकी उसके साथ में जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ जैसे क्रूज कंट्रोल, आप हाईवेज पे ज़रूर यूज़ करो। जनरली अपनी गाड़ी को इको मोड के अंदर चलाओ अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, और टाइम टू टाइम गियर चेंज करो, मतलब जिस हिसाब से आपकी स्पीड है उस अकॉर्डिंग आप अपना गियर सेट करो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, जब भी आप ड्राइव करते हो आप अपनी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी देखो कि कितनी आपकी फ्यूल इकोनॉमी दे रही है। सो प्लीज़ यार इन चीज़ों को देखते रहा करो और ऑब्जर्व करते रहा करो, उस हिसाब से आपकी गाड़ी की एवरेज निकलेगी। बाकी यार सर्विस के अकॉर्डिंग भूल जाओ, सर्विस के भरोसे की सर्विस होते ही मेरी गाड़ी की एवरेज ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार कि सर्विस के बाद एक ही दम से आपकी एवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो मेरे साथ ऐसा कोई मेजर मेरे को चेंज नहीं आया कि यार माइलेज के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। तो मैंने यार अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दिया है इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आपकी गाड़ी के अंदर चेंज आया आफ्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्विस जो भी आपने कराई है। सो प्लीज़ ये चीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आज की वीडियो में यार इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।